Welcome to BK's Smart Mall. Exclusive range of crockery, home appliances, gift items, personal care products, fancy items and home essentials, cosmetics, watches, perfumes, special toys for kids. BK's Smart Mall. Town Darshan News. समाचार ही नहीं, विचार भी। उल्हासनगर शहर में पिछले दो दशकों से ऐसा कोई बड़ा जनहित कार्य शायद ही हुआ हो जैसा पूर्व स्थायी समिति सभापति दीपक टोनी सिरवाणी की कोशिशों से रविवार को रामनवमी के शुभ दिन पर हुआ। यह दिन कैंप नंबर 3 ओटी परिसर व आसपास के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। स्वामी धर्मदास गौशाला से उल्हासनगर रेलवे स्टेशन जाने वाली पुल की ऊंचाई कम होने के चलते तेज बारिश के दौरान पुल पर पानी बढ़ जाने के कारण स्थानीय निवासियों व वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो जाती है। इसकी वजह से आसपास के कुछ परिसरों में जल जमाव के कारण बाढ़ के हालात हो जाते थे। स्वामी धर्मदास गौशाला से उल्हासनगर रेलवे स्टेशन जाने वाली पुल का नवनिर्माण कराने हेतु पूर्व स्थायी समिति सभापति दीपक टोनी सिरवाणी पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत थे। अब उनकी कोशिशों को सफलता मिली और रविवार को पुल का भूमि पूजन किया गया। यहां विधायक कुमार एलानी, भाजपा जिलाध्यक्ष जमनू पुरस्वाणी, शेरी लुंड, नाना पवार, लाल पंजाबी, शिवाजी रगड़े, राजू जग्यासी, रवि जग्यासी, स्थानीय नागरिक व रिक्शा चालक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 35 वर्ष पुराने पुल का पुनर्निर्माण करने से और इसकी ऊँचाई बढ़ने से स्थानीय लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस कार्य में टोनी सिरवाणी को पिंटो बटीजा, मनोहर खेमचंदानी, कमलेश संतु मलानी और बाबला व अन्य साथियों का सहयोग मिला। आए हुए सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। ये जो ब्रिज बन रहा है लगभग तकरीबन 35 साल जूना ब्रिज जो है इसको निष्कासित करके हम जो नया ब्रिज बना रहे हैं, इस ब्रिज की जो कमी ऊंचाई के कारण रेणु का आशीर्वाद वडोल गांव अशोकनगर में पानी बाढ़ में दो दो बार साल में पानी आ जाता था। आने वाले ये समय में हमें उम्मीद है कि अशोकनगर रेणु का आशीर्वाद वडोल गांव यहाँ लासीपाड़ा इन एरियाओं में बाढ़ का पानी नहीं आएगा। देखिए आज पहली बात तो सबको रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ, जय श्री राम। आज टोनी सिरवाणी जी जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उनके साथी तीन नगर सेवक जिन्हों के प्रयास से ये आज 3 नंबर ओटी का जो ब्रिज धर्म पैलेस जो आज धर्मचाला गौशाला है धर्मदास गौशाला वहाँ से लेके उल्हास स्टेशन तक एक 36 मीटर का और 25 फुट चौड़ा और उसकी हाइट जो बारिश में ये ब्रिज जो छोटी ब्रिज है उसके ऊपर से 5-6-7 फुट पानी जाता था उसकी ऊंचाई 8 फुट ऊपर बढ़ाई गई है। जैसे आम जनता जब बारिश के समय में पानी ओवरफ्लो होता है ये ब्रिज के ऊपर से वो ओवरफ्लो ना हो वो ब्रिज के अंदर से नीचे से ही पानी चला जाए ऐसे प्रयास करके ये ब्रिज को बनाया जा रहा है जिसका टाइम पीरियड है 1.5 साल। लेकिन मैं पूरी उम्मीद से मैं जाहिर करता हूँ कि आने वाले रामनवमी के दिन ये ब्रिज पूरा करके इसके ऊपर आदमी चलना चालू करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज ये टोनी सिरवाणी जी, पिंटो बटीजा जी, शिल्के जी और उनकी टीम यहाँ के ओटी वाले जो कठिनाई है जो आज जैसा CHM कॉलेज का जो ब्रिज है वो भी जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा, उसका भी ऐसा बजट में प्रोविजन रखा गया है। आज उसके अलावा स्टेशन से बाहर जैसा आदमी निकलते हैं वहाँ पे कुछ सुशोभीकरण नहीं है, हमारा वो पूरा प्रयास है कि वो पूरे एरिया को सुशोभीकरण कर देवे। इस पवित्र दिन पर मैं टोनी सिरवाणी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने अथक प्रयास करके, क्योंकि स्थायी समिति में मैं भी उनके साथ में था महासभा के अंदर और स्थायी समिति में कड़ी मेहनत लगती है जब कोई काम पास करवाना पड़ता है। यह ब्रिज जो साईं धर्मदास गौशाला से लेकर उल्लास स्टेशन को जोड़ेगा यह 36 वर्ष पुराना बना हुआ ब्रिज है। यह पुराने ब्रिज के इतने नीचे होने की वजह से जब जब बारिश होती है तो यहाँ के कई इलाकों में पानी घुस जाता है और बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ के आसपास के रहवासी, रिक्शा ड्राइवर, यहाँ स्टेशन पर जाने वाले लोग करीब करीब यह रास्ता बंद सा हो जाता है। लेकिन आज हमारे भाई दीपक टोनी सिरवाणी जी उनके अथक प्रयासों से 4 करोड़ का यह ब्रिज पास हुआ है और उसका आज भूमि पूजन वो भी पवित्र दिन पर, पवित्र स्थान पर।
भूमि पूजन तो कई होते हैं, लेकिन आज का पवित्र दिन जब कई स्थानों पर भगवान राम के भंडारे चल रहे हैं, लोग जय जयकार के घोष कर रहे हैं, और गौशाला के अंदर जहां पर पवित्र स्थान गौशाला में सभी लोग आते हैं, और यहां पर ऐसे स्थान पर हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतने सारे लोग कई पदाधिकारी आकर के इस राम सेतु, मैं तो इसका नाम भी आजकरण कर दूंगा कि इस ब्रिज को आगे चल के राम सेतु के नाम से जाना जाएगा, स्वामी धर्मदास राम सेतु यह नाम आगे चल करके प्रसिद्ध होगा। और हम मैं टोनी जी से कहूंगा कि हर रामनवमी पर यहाँ पर एक वर्धापन दिन रखें, और हम सबको जो गौशाला जाते हैं, जो नहीं जाते हैं, हम लोग तो हमेशा जाते रहते हैं, उनको एक बार ऐसे पवित्र स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो यह मेरा एक निवेदन है सभी से, स्वामी धर्मदास ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी, कि आने वाले भविष्य में जब जब इसका एक वर्ष पूरा होगा, यहाँ पर सभी को बुला करके कम से कम हम ऐसे पवित्र स्थान पर गायों की सेवा और भगवान राम का नाम ले सकेंगे। रामनवमी का यह पर्व आसपास के लोगों को सदैव याद रहेगा। यह ब्रिज बहुत जल्द अच्छा और सुंदर बन के तैयार होगा, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में आसपास के लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी। टाउन दर्शन न्यूज़, समाचार ही नहीं विचार भी।